उस सिम्बायोसिस के इंसिडेंट के पहले पेपर में ऑलरेडी आ चुका था कि मैंने मल्लिका शरावत का रिकॉर्ड टूट दिया. सो द किसिंग डिड नीड टू बी प्रमोटेड एक्स्ट्रा. आई वॉज एट द यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जो होस्ट थे वो बातें करने लगे कि मैंने प्रोमो में मेरी किसिंग दिख रही है. तो मुझे डर नहीं लगा. मैंने बोला यार कैसा लड़का होऊंगा अगर डर लगे. तब इट्स जस्ट अ किस. तो इस वक्त आप किसी को भी किस कर लोगे? मैंने बोला मैं किसी को भी किस कर लूँगा. तो एक बड़ी स्वीट सी लड़की को किसी कई दोस्तों ने चिल्लाया और उसको स्टेज पे भेजा एक किस मांगने के लिए. अब बेचारी इतनी करेजियस और स्वीट थी, इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी शी केम ऑन स्टेज. Who am I to send her back without a kiss? I love women, I respect them, and I'm chivalrous enough to give a kiss when asked for it. The best comment I ever heard in a college canteen about my film was that your film is worse than the bhindi ki sabzi that is served in my canteen. I love the boy who said it, you know. It was about a film called Dharavi. So I mean, you, I love the that provocation that you get there. Main isliye aata hu colleges mein. I did some performances. I did some. I was in the fashion show team, the college fashion show team. और जब हमारी ragging हो रही थी और हमें वो कपड़े बनाते थे inside out and 40 choties and तेल लगा के and एक drip check होता था रोज. जब चोटी को ऐसे पकड़ते थे तो तेल निकलना चाहिए. With all of that, they made us, you know, go for the fashion show and you know. Participated and made a fool of us basically on the stage and yeah that was samay to lagta hai ki bas you know just want to disappear from there but it was all fun. I mean looking back at it was all good. Yeah it was good fun. Yaar kyun kar rahi ho ye sab? Ye kyun tum bahar aa gayi ho abhi? Ek din tujhe maarne aayenge aur goli lagegi isko. Ek tarika hai. Kabhi festival hota hai, koi film festival hota hai, jaise KC college mein pichle 4 saal se ja raha hu. तो उस उधर से मैं कभी कभी बहुत सारे असिस्टेंट्स लिए हैं. मुझे अभी भी याद है एक कॉलेज फेस्टिवल में गया था और 7 लड़के मेरे सामने आए थे. उनके पास उनको फर्स्ट प्राइज मिला था. डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने बहुत अच्छी और मैंने उन 7 को अपना असिस्टेंट लिया था. तो मतलब बहुत कुछ मिलता है आपको. वो अभी जितने भी वो 7 लड़के हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. कोई एड फिल्म में टॉप असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई अभी फिल्म बनाने वाला है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोमोज का एडिटर हो गया है. तो अभी इस तरह से भी तो एक आपको एनर्जी मिलती है और एक फ्रेश टैलेंट मिलता है. जैसे हम लोग चांदनी चौक में शूटिंग कर रहे थे पराठे वाली गली में और लोगों को वहाँ के जो लोग थे उनको पता चला कि शूटिंग हो रही है और उनको अरुणोदय सिंह नहीं देखना है, उनको सलमान खान देखना है. और किसी ने जैसे रूमर शुरू किया, यहाँ से चाय वाले ने बोला, चाय वाले ने पराठे वाले से बोला, सब सोचें कि सलमान की शूटिंग है. और जो फिल्म के बाउंसर्स थे वो और मैं चाय और पराठे खा रहे थे. हम लोग बड़े हट्टे कट्टे गबरू जवान थे. तो एक बड़ी क्राउड आई, बोली सलमान भाई कहाँ है? मैंने बोला मुझे क्या मालूम, तू सिक्योरिटी है ना? हाँ हाँ, वो सलमान भाई घर चला गया. भाई गया.